नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों में हेपेटाइटिस का क्या संकेत होता है? खासकर तो कुछ लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस क्या है और हेपेटाइटिस कैसे होता है, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं और क्या हेपेटाइटिस ठीक भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों में हेपेटाइटिस के संकेत कुछ हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जिन्हें गलती से भी अवॉइड ना करें। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत जानकारी मिलने वाला है। हेपेटाइटिस एक बेहद ही परेशान और ख़तरनाक, यानी कि परेशान कर देने वाली स्थिति हो सकती है। बच्चों में देखे जाने वाले इसके कुछ साधारण से लक्षण भी होते हैं जो हेपेटाइटिस का संकेत दे सकता है, और इन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। जो मुख्य रूप से हमारे लीवर को प्रभावित करता है। यह लीवर की सूजन का कारण बनता है और इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, यानी कि पांच। प्रत्येक प्रकार, जो पांचों प्रकार होता है हेपेटाइटिस का, अलग अलग वायरस के कारण होता है और इसके लक्षण और उपचार भी अलग अलग होते हैं। हेपेटाइटिस की समस्या बच्चों में आमतौर पर दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से होता है। यह संक्रमण बहुत ज़्यादा तीव्र होता है और लंबे समय तक, अगर बात की जाए, किसी को रहता भी है तो किसी को नहीं भी रहता है। आमतौर पर कुछ हफ्तों में या महीनों में ठीक भी हो जाता है, लेकिन सही समय पर इसकी पहचान करना और उपचार करना तो बेहद ज़रूरी है, वरना बच्चों को परेशानी हो सकती है। बच्चों में हेपेटाइटिस के संकेतों को पहचानने के लिए हमारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहला है पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। देखो, त्वचा और आँखों का पीला होना हेपेटाइटिस होने का संकेत होता है, जिसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखकर पहचान सकते हो। इसे पहचानने के लिए बच्चे की आँखों के सफ़ेद भाग जो होता है, जिसको स्क्लेरा कहते हैं, उनको देखना चाहिए। त्वचा की रंगत पर भी ध्यान देनी चाहिए। अगर यह पीली दिखाई दे रही है तो यह जॉन्डिस है, पीलिया है। ऐसा अगर दिखे तो फौरन आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बच्चे की इस परेशानी को बचाने का कोशिश करना चाहिए। उसके बाद है थकान। बच्चे का सामान्य से अधिक ज़्यादा थक जाना, सुस्त ज़्यादा रहना हेपेटाइटिस का एक संकेत हो सकता है। हाँ, क्योंकि बच्चे दिन भर तो बहुत एक्टिव रहते हैं, केवल बीमार होने पर ही बच्चे शांत बैठते हैं। अगर वह लंबे समय से थका हुआ महसूस करता है और उन्हें चीज़ों को, कोई भी काम को करने में परेशानी हो रही है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा दिन भर थका हुआ रहता है या खेलने या फिर दैनिक जो गतिविधियां हैं उनमें देखो कि बच्चा अगर एक्टिव नहीं है तो ये एक चेतावनी है हमारे लिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद है भूख न लगना। बच्चों की आदत होती है कि वह दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहो, उनकी यह आदत सामान्य है, लेकिन अगर यह आदत बच्चों में कम है, हाँ, भोजन के प्रति उसकी रुचि कम हो गई है, तो यह भी एक हेपेटाइटिस का लक्षण हो सकता है। इसके लिए अगर आपको यह संकेत कई दिनों से नज़र आ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हाँ, इसी तरह के और भी लक्षण हैं जो हेपेटाइटिस के संकेत देते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। उसके बाद है मिचली और उल्टी, बार बार मिचली आना और बार बार उल्टी आना, ये भी लक्षण है। और पेशाब, गहरे रंग का पेशाब होना, गाढ़ा होना। बच्चे का पेशाब
सामान्य से गहरा पीला या भूरा दिखाई देता है, ये भी लक्षण है। और मल स्टूल, हल्के रंग का मल, बच्चे के मल का रंग सामान्य से अगर हल्का है, ये भी लक्षण है हेपेटाइटिस का। उसके बाद है बुखार रहना, हल्का बुखार रहना। अगर बच्चा लगातार बुखार में है और अन्य लक्षण भी दिखाई दे रहा है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद है कमजोरी, सामान्य से ज़्यादा कमजोरी है तो ये भी एक लक्षण है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द है बच्चों को, ये भी एक जो है सिम्टम है, लक्षण है हेपेटाइटिस का। कैसे पहचानना है इसको जाने, नियमित रूप से बच्चे और स्वास्थ्य और व्यवहार में परिवर्तन पर ध्यान दें बच्चों का, बच्चों से बातचीत करने के क्रम में पहचाने। हाँ, यानी कि आपको पहचानना पड़ेगा तभी तो आप डॉक्टर को बताओगे कि हमारे बच्चे को ये सिम्टम है, हमारे बच्चे को ये परेशानी है। अवॉइड तो बिल्कुल भी ना करें, कतई नहीं करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने जाना हेपेटाइटिस बच्चों में जो होता है उनके सिम्टम्स क्या है। इसी तरह का जो वीडियोज़ है हमारे चैनल GH केयर ही देता है। सो प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटे का बटन दबाते हैं और रोज़ एक वीडियोज़ पाते हैं। तब तक हमारे वीडियोज़ पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।